हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स 3 देशों से घिरे हुए हैं, यानी बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। इन तीनों देशों में जितनी डाइवर्सिटी है, इतनी मिलाकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी मणिपुर में है। यहाँ पर अलग ही एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो हर तरह से एक दूसरे से अलग है, और इनकी डाइवर्सिटी ही आज मणिपुर में वायलेंस का रीजन बन गई है। मणिपुर में मेथी कास्ट के लोग रहते हैं जो अब खुद के लिए स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग कर रही है, और अगर इन्हें स्टेटस मिल जाता है तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेजेस में एक्सेस इजी हो जाएगा। पर यहाँ के ट्राइबल लोग स्पेशली कुकीज का ये कहना है कि मेटीज पहले से ही काफी अच्छी सिचुएशन में है, और इन्होंने गवर्नमेंट, पुलिस, सिविल सर्विस को ऑलरेडी डोमिनेट किया हुआ है। अगर इन्हें ज्यादा प्रिविलेज मिल गया तो ये बहुत अनफेयर होगा। इससे मेटीज को फॉरेस्ट लैंड पर भी एक्सेस मिल जाएगा और वे ट्राइबल की जमीनों को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उनका ये भी कहना है कि मेटीज के पास इम्फाल है जहाँ पर मॉल्स, स्पोर्ट्स सेंटर और बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, पर जो हिली एरियाज है इसे हमेशा ही निगलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हुए हैं। और अगर उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इन्हें इम्फाल जाना पड़ता है क्योंकि उनके एरियाज इतने डेवलप नहीं है। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को ब्लेम करने में लग गए हैं, और इसकी वजह से मणिपुर आज बहुत बड़े वायलेंस का शिकार हो गया है। इसी को लेकर कुकीज का ये भी कहना है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी मेटी कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इसी को लेकर ममांग, जो कि वहाँ का एक लोकल रेसिडेंट है, उसका ये कहना है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब वह काम के सिलसिले में चूरा चांदपुर में था, और उसका घर इम्फाल में है जिसे जला दिया गया। इवन उसकी कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी जला दिया गया, उसकी लॉ बुक को भी जला दिया गया, और जब उसके दोस्त ने भीड़ के खिलाफ लड़ाई की तो उसे ऑलमोस्ट मार दिया था। वह वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया, पर ये सच बात है कि इस मॉब को पुलिस लीड कर रहे थे। यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और अब हालात ये है कि यहाँ के लोगों ने सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी है। तो दोस्तों, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।